Bruh, I ain't got no chill. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th एंड सितंबर एग्जाम 2021। जब 2021 के सितंबर में एग्जाम देने वाले हो, स्कूल एग्जाम जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से आपके केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर का पैटर्न कैसा होगा, इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा एंड कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो डू एंड डाई हैं, वो टॉपिक आपने सबसे अच्छे से पढ़ने हैं। अभी देखो, आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बट स्कूल में एग्जाम तो होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मेरे पास जो मैसेज आए हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि 14th और 15th ऑफ सितंबर से उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेटा, इस वीडियो में मैंने चैप्टर वाइज बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो हर एक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है एंड मैंने इस वीडियो में उन टॉपिक्स को नेगलेक्ट किया है जो सिलेबस में से कट चुके हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करके बनाई गई है ये वीडियो आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली, बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी अगर हम 14-15 से बात करें तो हमारे पास अभी 7-8 दिन है और 7-8 दिन में भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब ये जो फर्स्ट 7 चैप्टर है, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इसी चैनल की प्लेलिस्ट है क्लास 11th फ्री हैंड रिटन केमिस्ट्री नोट्स, वहां से सारे नोट्स डाउनलोड कर लेना। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना भाई, आप चाहते हो बहुत अच्छा स्कोर करना, तो मैं आपको बोल लूंगा सिर्फ दो चीज आपको करनी है। एक तो एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना प्लस भारत सर नोट्स। ठीक है, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया उन नोट्स को अच्छे से कर लेना, बस दी बेस्ट है। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। अच्छा, इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक इंक्लूड किए हैं, एक चैप्टर से मोस्टली 4 और 5 टॉपिक ही मैंने सिलेक्ट किए हैं। बट मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आपके पास टाइम हो, पॉसिबल, वैसे टाइम तो हो गई, ज्यादातर टाइम घर पे भी रहते हो, तो जो टॉपिक मैं बताऊंगा उनको करने के बाद आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना, बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे भाई साहब, 80-90-95 वाली लाइन में आप लोग चले जाओगे। ठीक है, और उससे भी सोने भी सुहागा क्या रहेगा, जो आपके स्कूल वाले टीचर, जो आपके स्कूल की क्लासेज लगती है, वहां पे जो टीचर आपको इंपॉर्टेंट बोल रहे थे, आई होप आपने वो लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो जो जिस आपके आपके जिस भी फ्रेंड्स ने लिखे हैं ना, जिन भी फ्रेंड्स ने लिखे उनसे मंगवाओ, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करो। देखो, क्योंकि ये होता है बेटा, क्लास 12th के लिए 10 ईयर वाला पैटर्न फॉलो किया जाता है, 10 ईयर भाई सीबीएसई किन को इम्पोर्टेंट मानता है, बट क्लास 11th बहुत ज्यादा आपके स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है। अब अलग अलग स्कूल टीचर अलग अलग टॉपिक्स को जनरली इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो वो भी आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। चलिए अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पेपर के पैटर्न की बात करूं तो दो पार्ट में आपका पेपर इस साल डिवाइड किया गया है एंड इस साइड इस साल कोशिश की गई है कि रट्टे बच्चे कम मारे, समझने की कोशिश ज्यादा करें। तो पार्ट ए है, पार्ट बी है। पार्ट ए में 26 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 11 क्वेश्चन होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मीन्स वन लाइनर होंगे, एमसीक्यू होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। 26 क्वेश्चन 35 मार्क्स के बनेंगे एंड पार्ट बी में हमारे 11 क्वेश्चन बनेंगे 35 मार्क्स के। ये सब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, मतलब 50-50 में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं सितंबर एग्जाम में, जनरली लगभग सभी स्कूलों में फर्स्ट बुक में से ही आता है, फर्स्ट 7 चैप्टर आपके आते हैं। फर्स्ट 7 चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मेटल, लिक्विड एंड गैसेस, है ना, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये 7 चैप्टर है। अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सीबीएसई ने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो उनका ऑफिशियल लेटर था, उसमें उन्होंने फुल ईयर के मार्क्स बताए थे, तो मैंने क्या किया है, मैंने हाफ ईयर के लिए उनको डबल कर दिया है, फुल ईयर में से हाफ ईयर वाले सिलेक्ट किए और उनको डबल कर दिया। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वैसे 11 मार्क्स के हैं, तो अभी कितने चांसेस बनते हैं कि ये 22 मार्क्स के आए। ठीक है, जो आपका थर्ड चैप्टर है, मैं बात करूं जो आपका थर्ड चैप्टर है, ये एक्चुअल में 4 मार्क्स का है। ठीक है, बट चांसेस बनते हैं कि 8 मार्क्स का आ जाए।
अभी अगर मैं बात करूँ जो फोर्थ चैप्टर है, आई थिंक मुझसे कुछ गलती नहीं हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन चैप्टर है, ये आपके 40 मार्क्स के बन जाएंगे, 10 मार्क्स ईच, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह से बता दिया आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। ये 4 to 7 चैप्टर रहेंगे आपके 40 मार्क्स के, बिल्कुल इसी तरह से आपका रहने वाला है, क्लियर है। तो चलिए ये तो बात होगी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर का पैटर्न, अभी बात करते हैं आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि सर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप जल्दी से हमारी रिवीजन करा दो, एक एक दो दो घंटे के वन शॉट की वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ आप सभी रेडी हो। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 15 से पहले आपको इन 7 के 7 चैप्टर के वन शॉट प्रोवाइड करूं, बट उसके लिए छोटा सा लाइक गोल रखते हैं, 1000 लाइक्स का गोल रखते हैं, 1000 लाइक्स का और 500 कमेंट्स का, ठीक है ना, फिर देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आज से ही मैं पूरी कोशिश करूंगा वन शॉट आपको प्रोवाइड करूं। चलिए बेटा जी, फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 11th क्लास के लिए जा रहे हो, 12th के लिए जा रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो। उसके बाद हो गई आपकी कंसेंट्रेशन टर्म। कंसेंट्रेशन टर्म्स में क्या आता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनके न्यूमेरिकल्स। लिमिटिंग रिएजेंट एक अच्छा टॉपिक है, कर लेना चाहिए आपको। एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख लेना, तो फर्स्ट चैप्टर में से ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, सबसे ज्यादा चांसेस है इनमें से क्वेश्चन बने। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत कुछ इसमें से डिडक्ट हुआ है, कट गया है। अभी इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको देख लेना। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं बोलूंगा पूरा करना है, बट क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस है, उनके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल ओवरव्यू ले लेना, वैसे तो पढ़ के भी आए होंगे, ले लेना इसका ओवरव्यू। उसके बाद न्यूमेरिकल जो बनते हैं, डी ब्रॉय, रिडबर्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सभी न्यूमेरिकल्स के टॉपिक हैं और न्यूमेरिकल्स इनके बन जाते हैं। फॉर्मूलाज अच्छे से एक बार लिख लेना, ठीक है, वैसे मैंने नोट्स प्रोवाइड करे थे, आप उनमें से देख सकते हो। और उसके बाद आप लोग करोगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देखिए चाहे कोई भी चैप्टर हो, वहां पे डिफरेंस इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। अच्छा, एक और बात की टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि इन फ्यूचर जो भी वीडियो नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहे। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, इस चैनल से आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, सब कुछ, एक सिंगल पैनी नहीं लगेगी। हाँ, सब्सक्राइब करना है और करवाना है, वो जरूर लगेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। सबसे कम नंबर का चैप्टर बनता है ये, और है भी थोड़े से टॉपिक है, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। तो बेटा इसमें आपको ट्रेंड्स याद करना, पहले तो बात सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करनी है, उसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना। ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी, पता होना चाहिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, उनके ट्रेंड, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप बढ़ता है, लेफ्ट राइट घटता है, आयनिक रेडियाई में कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, ये बात पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, ये प्लस टू वाले बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी में एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, डिफरेंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। बुक वन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और सीबीएसई भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, तभी इस चैप्टर में से एक सिंगल टॉपिक भी काटा नहीं गया है। क्या है, क्वांटम थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लैवी स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको आनी चाहिए, वो जो एमओ कॉन्फ़िगरेशन होती है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताना होता है, इंपॉर्टेंट बनता है। N2O2 से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी आयनिक फॉर्म से रिलेटेड N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव वो भी कर लेना। डाइपोल मूवमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंपॉर्टेंट, करने हैं ये भी आपने बहुत अच्छे से। और एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, मैंने हमेशा बोला है कि डिफरेंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, और दो ही स्टेट की बात करेंगे हम, गैसेज एंड लिक्विड। लास्ट ईयर तक सॉलिड स्टेट भी था, बट अभी वो प्लस टू में चला गया है। तो इसमें से आपको करना है आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन लॉ एंड गैस लॉ जो है, चाहे वो आपका बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, जितने भी ये लॉ है, इनके न्यूमेरिकल्स आप देख लोगे अच्छे से क्या ये कहना चाह रहे हैं, इनकी फॉर्मूला एक बार लिख लेना एंड ग्राफ देख लेना, एक एक दो दो जो आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो ग्राफ याद कर लेना।
नेक्स्ट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी इंपॉर्टेंट बनती है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आप दो टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हो, फर्स्ट हैसलो एंड नेक्स्ट है हमारा एंट्रोपी। स्पॉन्टेनिटी वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, गिब्स फ्री एनर्जी वाला कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी वाला कंसेप्ट 11th के साथ साथ 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीन लॉज है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद इक्विलिब्रियम की बात करें, लास्ट चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम में, आप न्यूमेरिकल्स करोगे उन केसी एंड केपी। उसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल, हेनरी लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एसिड बेस वाले जो कंसेप्ट है दो तीन, चाहे वो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट हो गया, चाहे वो आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट हो गया, चाहे वो ब्रोस्टुड-लोरी एसिड बेस कंसेप्ट हो गया, इसको बहुत अच्छे से करने वाले हो। एंड इसके बाद पीएच वाले टर्म्स भी अच्छे से देख लेना, बहुत काम आने वाली है। तो बेटा जी ये थे हमारी बुक वन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड इसमें मैंने उनको नेग्लेक्ट किया है, उन टॉपिक्स को नेग्लेक्ट किया है जो अभी हमारे सिलेबस से हट चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है उनको मैंने निकाला है, ठीक है। ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करने, साथ के साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कर लेना, ठीक है। बुक में मैंने बोल दिया एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस भारत सर मतलब मेरे जो नोट्स हैं 6 चैप्टर के मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, और इसी हफ्ते मैं आपको 7 चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और देखो पिछले साल आपके जो सीनियर थे, ठीक है, जनरली मैं ज्यादातर वीडियो प्लस टू से रिलेटेड बनाता हूँ, बट इस साल क्या है कि मैं चाहता हूँ 11th के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, उनके लिए भी वीडियो बनाना, ठीक है, डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी हमारा मेन फोकस है सितंबर एग्जाम पे, जो कि हफ्ते 10 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे आपके या होने वाले होंगे, तो सो दैट हम उसमें अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। जनरली भाई 1-2 घंटे में आप फुल चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सको, ऐसे में वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। और उसके लिए मैंने लाइक गोल रख दिया है 1000 लाइक, 500 कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। आप लोग मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करने की कोशिश, और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करो, तो भाई मैं साथ में हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, बड़े भाई की तरह मानते चलो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।